ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम में हुआ बड़ा बदलाव। एक बार फिर से बदल जाएगी भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी। शुभमन गिल के साथ इस दिग्गज बल्लेबाज को मिलेगा ओपन करने का मौका। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एशिया कप 2023 खत्म होने के तुरंत बाद ही भारतीय टीम का सामना होना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 22 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। आपको बता दें भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुरुआती 2 वनडे मुकाबलों से कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के नाम शामिल है। हालांकि ये खिलाड़ी तीसरे वनडे मुकाबले में वापसी करेंगे। रोहित शर्मा को आराम मिलने के बाद सीधा सा मतलब है कि पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में हमें एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एशिया कप 2023 में दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर कई मौकों पर भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। हालांकि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शुभमन गिल के साथ ईशान किशन बतौर ओपनर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी है जो न सिर्फ टॉप ऑर्डर में बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं। एशिया कप 2023 के दौरान ईशान किशन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने एशिया कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। एक बार फिर से शुभमन गिल पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। शुभमन गिल न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्कि वर्ल्ड कप 2023 में भी धमाल मचाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या फिर शुभमन गिल और ईशान किशन? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।